अपनी वयोवृद्धा सास है, आप चाहे जितना भोजन दीजिए चाहे जितनी सेवा कीजिए, जब कोई आपके घर मिलने आएगा तो आपकी बुराई करेगी। ये माया है, भगवान की सी माया। अब आप जब कान में बुराई पड़ेगी और आपको लगेगा अच्छा से अच्छा बना के देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब सेवा करती हूँ, इसके बावजूद ये हमारी निंदा ही करती है, तो अब आप अपने धर्म से गिर जाएंगे। और अगर आपको जो बोलना है बोले, मेरा कर्तव्य जो है मैं अपने कर्तव्य का, ये अध्यात्म वाला कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है, दृश्य भी दिखाए गए, फिर पिटाई भी शुरू कर देते अपने वयोवृद्धों की, चाहे पुत्र हो या वधु हो। इसी को दबाना अध्यात्म कहते हैं, उसी को यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव, जो व्यथा उत्पन्न हुई उससे हम व्यथित रहे हुए और शांत हो गए, और ये समझ ले कि ये अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे क्योंकि वृद्ध हो गए, पर मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, मैं इनकी सेवा से वंचित नहीं हूं, तो उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो विशेष आनंद को प्राप्त होगा।